हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने आ रही है वीडियो नंबर 10 11th क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो आज हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑन सेट्स। ये भी ऑपरेशन का ही पार्ट है एंड दिस इज एक्सरसाइज 1.5। इसके अंदर कुछ रूल्स भी आएंगे बट उसके लिए आपको वीडियो नंबर 11 का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑन सेट। ध्यान रखना बेटा, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है a रेस टू पावर डैश या फिर a रेस टू पावर c से। a यहां पर नेम ऑफ सेट है, अगर इसका नाम b होता तो b रेस टू पावर डैश होता या b रेस टू पावर c होता, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, जरा समझते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि a कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो a कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा a, एंड दिस इज डिफरेंस। और डिफरेंस मैं आपको सिखा चुका हूं कैसे निकालते हैं। यूनिवर्सल में से ए के जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो एंड टेक रिमेनिंग ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बी कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो आप यूनिवर्सल में से बी लेस कर दो। अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो क्या करेंगे आप, यूनिवर्सल में से लेस कर दीजिए ए यूनियन बी। तो पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट बताइए, क्या करेंगे आप, यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे यूनिवर्सल, जो कि फाई रिजल्ट देगा। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा पांचवी बात कि फाई का कॉम्प्लीमेंट बताइए, क्या करेंगे आप, यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे फाई, तो रिजल्ट क्या आएगा, खुद यूनिवर्सल आएगा। तो लास्ट चार और पांच टॉप बातें जो है ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, आप इन्हें याद रखना, वाइवा के अंदर आपसे पूछता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक, याद रखना इसको। अब एक एग्जांपल हमने यहां पर लिया हुआ है, इसमें आपको एक यूनिवर्सल सेट दे दिया गया, 1, 2, 3 up to 9 है। कोई सेट ए दिया हुआ है, कोई सेट बी दिया हुआ है और आपसे कहा है ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो एज यू नो, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ेगा ए को। तो यूनिवर्सल हमारे पास है 1, 2 लेकर 9 तक और ए हमारे पास है 1, 2, 4, 7, 9। व्हाट वी नीड टू डू, यूनिवर्सल में से ए के कॉमन एलिमेंट हटा दिए जाएं, यानी इसमें से 1, 2, 4, 7, 9 हटा दो, तो जो रिमेनिंग ऑफ यूनिवर्सल है वो आप यहां पर लिख दो। क्या बचा 1, 2, 4, 7, 9 हटने के बाद, बोलो 3 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 8 बचा, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि बी कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सल में से बी लेस होगा। देखो, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछे उसे यूनिवर्सल में से डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक और बी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, तो यूनिवर्सल में से बी के ये वाले एलिमेंट हटा दीजिए, हटाइए, चलिए 1 हटा, 2 हटा, 5 हटा, 8 हटा, 9 हटा, रिमेनिंग 3, 4, 6, 7। यस, ये आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। आगे आते हैं, आगे देखिए, इसने आपसे पूछा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, ये रहा, इन दोनों का यूनियन, यानी इस स्टेप में आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का ज्वाइन कर दो, यानी यूनियन कंबाइंड करो भाई। क्या क्या आएगा बोलो, 3 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, तो ये ज्वाइन होकर रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली ये बात पूछता तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता, ठीक, बट अभी हम निकाल चुके हैं तो वी हैव यूज देम डायरेक्टली। नाउ अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बट मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी तो है ही नहीं, फिलहाल इसका रूल लिख देते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने इसका रूल लिखा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी आई डोंट हैव, बट आई थिंक आपको निकालना आता होगा, तो आप निकाल दीजिए। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है क्या क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 9 कॉमन है, तो ये 1 आ गया, 2 आ गया और 9 आ गया। ठीक है, अब इसको आप यूनिवर्सल में से हटा दीजिए, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स में से 1, 2, 9 हटा के जो बचेगा
क्या बचा? 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन समझ आ गया होगा. आगे देखते हैं एक न्यूमेरिकल. ये बिल्डर फॉर्म में है. ये आपसे बोलता है न्यूमेरिकल के यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, मतलब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है जी. और ए आपको दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स. ठीक है, एक्स सच दैट एक्स. देखिए इस एक्स का मतलब स्टूडेंट है. ठीक है, कोई भी रैंडमली, रैंडम मतलब एनीवन. तो एक्स सच दैट एक्स इज अ बॉय इन स्कूल. तो फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट. खुद सोचिए आप, ए कॉम्प्लीमेंट यहां पर होगा यूनिवर्सल माइनस ए. तो सोचो स्कूल के स्टूडेंट में से, देखो स्टूडेंट की बात हो रही है, टीचर्स की बात नहीं हो रही. स्कूल के स्टूडेंट में से अगर आप बॉयज को हटा दोगे, देखो ना स्टूडेंट में से माइनस हो रहे हैं बॉयज, ए यहां पर बॉयज का ग्रुप है. तो स्कूल के स्टूडेंट में से अगर बॉयज हट जाएंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ गर्ल. ठीक है, इन स्कूल. तो ये आप ध्यान रखना. ठीक है, तो बॉयज का कॉम्प्लीमेंट गर्ल्स हो गया. आगे देखिए, अब लिखा हुआ है एन. नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया. एन यहां पर एक यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का. ओके, यानी इसके अंदर 1 to n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं. और यहां पर एक सेट दिया हुआ है 2x + 1 = 9. और इसने कहा है ए कॉम्प्लीमेंट बताओ. तो देखो पहले इसको आप खोपचे में ले जाओ और सॉल्व करो. 2x + 1 = 9, 1 उधर गया 8, तो x की वैल्यू आ गई 4. कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली ये जो सेट है इसके अंदर ए की एलिमेंट है, दैट इज 4. अब हमसे मांगा गया है ए कॉम्प्लीमेंट. तो बेटा यूनिवर्सल में से ए लेस करो. यूनिवर्सल का मतलब है 1 से लेके n तक, उसमें से एक एलिमेंट हट जाएगा 4. तो क्या बचेगा? देखो अगर बिल्डर फॉर्म में आंसर है तो आंसर आपको बिल्डर फॉर्म में ही देना पड़ेगा. तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब इसमें सारे नंबर नेचुरल नंबर होंगे लेकिन एक्स नहीं होगा. कौन? 4. मतलब इसमें 4 को छोड़ के सब कुछ होगा. ठीक है, ना समझ आए बार बार इसको देखो वीडियो को, ना समझ आए मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. ठीक, थैंक यू सो मच.